हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और आज हम करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटर क्या है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? हमारे पास कोई भी सिंबल, सिंबल प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, हम करते हैं 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे प्लस और इक्वल टू क्या है? एक सिंबल है, तो वो क्या हो गया हमारे पास? ऑपरेटर, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल कॉम्प्यूटेशन। ऑपरेटर क्या है? स्पेशल सिंबल है पाइथन में, जो कुछ अर्थमेटिक और लॉजिकल कॉम्प्यूटेशन के लिए यूज होते हैं पाइथन में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड ऑपरेंड। मतलब जिस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। जैसे मैंने बोला आपको 2 + 3, 2 और 3 पर प्लस का ऑपरेशन लग रहा है, तो 2 और 3 क्या हो गए? ऑपरेंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5, हेयर प्लस इज ऑपरेटर एंड दैट परफॉर्म्स एडिशन, और 2 और 3 क्या हो गए हमारे पास? ऑपरेंड। ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हमारे पास ऑपरेटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो कौन कौन से टाइप्स है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आपने ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या करने हैं? ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब हम सबसे पहले करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या? इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है? ये सब मैथमेटिकल फंक्शन है। डैट टेक्स टू ऑपरेंड, जो दो ऑपरेंड को लेते हैं, 2 + 3, 2 - 3। ठीक है, दो ऑपरेंड को लेते हैं एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन देम, और उस पर कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, तो आपको पेपर में ये टेबल भी बनाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा हर ऑपरेटर का। हमारे पास क्या एक टेबल है जो आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। उसमें क्या सिंबल है, नेम है, उसका मीनिंग है और एग्जाम्पल है। तो सिंबल कौन कौन से हो गया हमारे पास, कि मतलब हम कौन कौन से सिंबल प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, लोड, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल। अब इसका मतलब समझते हैं किस लिए यूज़ होते हैं। ऐड किस लिए यूज़ होता है? दो नंबर को प्लस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस टू लिख देंगे या एक्स प्लस वाई लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? प्लस का ऑपरेशन। माइनस भी ऐसे, मल्टीप्लाई भी एक्स इंटू वाई, डिवाइड भी ऐसे होगा एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, तो अब इसमें एक्स डिवाइडेड बाय वाई में आंसर देखेंगे क्या आएगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? जो रिमाइंडर के लिए होता है। जैसे हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा? 1। ठीक है, या आप समझो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा ना। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर उस रिमाइंडर को बताता है कि रिमाइंडर कितना निकलेगा दो चीज़ों को जब हम डिवाइड करेंगे। अब ये होता है फ्लोर डिवीजन। देखो दो टाइप के डिवीजन होते हैं इसमें, एक ये डिवीजन है, एक ये डिवीजन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पेपर में भी आ जाता है तो ध्यान से समझना। डिवीजन डैट टेक्स ए रिजल्ट इन टू होल नंबर एडजस्टेड टू द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। मतलब अगर हमारे पास, जैसे हम क्या करेंगे, 2 को हमने क्या किया, किससे डिवाइड करा? 5 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ, तो आंसर में क्या आ गया हमारे पास? 2.5। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा या 2, मतलब होल नंबर में आएगा आंसर। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है किसी चीज़ की पावर। हमने लिखा 2 × 3, तो 2 की पावर 3, तो कितना हो गया? 2 × 2 × 2 = 8 आ गया आंसर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वैल्यू ली, तो वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है? 2। एक वेरिएबल ये लिया, वैल्यू 2 की वैल्यू ले ली हमने 3। 3 वैल्यू ले ली। अब मैंने आपको पिछले उसमें क्या बताया था, ये क्या है हमारे पास? कमेंट, जो सिर्फ बता रहा है हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं। तो हमने रिजल्ट में कर दिया वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस हो जाए और प्रिंट कर दे वो इस रिजल्ट को, तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 2 + 3 = 5। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में हम माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा -1। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा आंसर? 2 × 3 = 6। और डिवीज़न में क्या आ जाएगा? देखो डिवीज़न ध्यान से देखो, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आउटपुट कितना आ गया? 1.5। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था क्या आएगा आंसर? रिमाइंडर। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा? एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा? 2 और 3, तो 2 × 3 = 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास? 8।
टू इंटू टू फोर इंटू टू एट, फ्लोर डिवीजन। बहुत ध्यान से देखो क्या होता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है। इसमें क्या है, थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.5। 1.5 आया था पिछले उसमें जब हमने डिवाइड किया था। तो ये सिर्फ लेफ्ट वाला करेक्टर ही चूज करता है, लेफ्ट वाला नंबर ही चूज करता है। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, आंसर क्या आ गया, 1। जैसे अगर हम 5 को अगर 2 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता, 2.5। लेकिन फ्लोर डिवीजन अगर हम ये वाला डिवीजन यूज करेंगे तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, 2। तो ये हो गया फ्लोर डिवीजन। तो बहुत ज़रूरी है डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस जानना। अब क्या हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन क्या होता है, दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए, कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक चीज़ दूसरे से बड़ी है या छोटी है, क्या ये दो चीज़ें आपस में बराबर तो नहीं है, क्या ये दो चीज़ें आपस में इससे छोटी भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है। मतलब जैसे हम क्लास के दो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो बच्चे हैं हमारे सामने, हम देखेंगे इनकी हाइट, इसमें से किसकी हाइट बड़ी है या इसमें से किसकी हाइट छोटी है, ठीक है। इनमें से क्या दो लोगों की डेट ऑफ बर्थ या तो इससे छोटा भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस कंपेयर्स द वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ देम एंड डिसाइड रिलेशन अमंग देम। दो चीज़ों के बाद में बारे में ये रिलेशन बताएगा और उनके बीच में कंपैरिजन बताएगा। कौन कौन से ऑपरेटर है, अब हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का हमने वो बनाया था टेबल, अब हम किसका टेबल बनाएंगे, हम बनाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो हमारे पास कौन सा होगा, ग्रेटर देन, अब ये चेक करेगा क्या एक्स की वैल्यू, हाँ ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं कि क्या ये सच है क्या नहीं है। अब यहाँ पे लिखा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी तब ही आंसर क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। लेस देन में क्या आएगा, अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, मतलब हम लिखेंगे 2 less than 3, हाँ तो है ना 2 less than 3 है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू में चेक करेगा दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, तो ये चेक करेगा कि मतलब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है या नहीं है। जैसे कि अगर हम चेक करेंगे कैपिटल ए के बराबर है तो हाँ आएगा, ट्रू आएगा आंसर। लेकिन अगर हम लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए के बराबर है तो आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। नॉट इक्वल टू इसका उल्टा होता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब ये ट्रू देगा और वैल्यू इक्वल होगी तो ये फॉल्स देगा। ये क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेगा एक्स की वैल्यू या तो वाई से बड़ी हो या फिर वाई के बराबर हो, तब आएगा ये। उसके बाद लेस देन इक्वल टू में क्या आएगा, या तो वैल्यू इससे एक्स की वैल्यू वाई से या तो छोटी हो या फिर इसके बराबर हो। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या करा, प्रिंट हमने चेक करा क्या एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है, क्या एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है। अब ये देखो सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज कर रहा है। बट इक्वालिटी, इसको इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वालिटी चेक करने के लिए, क्या 5 की वैल्यू 3 के बराबर होती है, नहीं, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। देखो फॉल्स आंसर आ गया। अब नॉट इक्वल टू देखते हैं, क्या 5 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है पूछ रहा, हाँ तो ये तो सच बोल रहा ना, तो रिटर्न करेगा ट्रू। वैसे ही ग्रेटर देन और लेस देन है, एक्स हमने चेक करा एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, 5 की वैल्यू 3 से बड़ी है, हाँ है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये कमेंट्स है तो कमेंट हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक मतलब ये स्क्रीनशॉट छोटा किया हुआ है तो अभी इसमें सही आ रहा है। हैश के बाद सिर्फ ये लाइन के लास्ट तक ही इसको कमेंट लेता है, अगली लाइन को कमेंट नहीं लेगा, ठीक है। तो एरर भी आ जाता है इसमें, आपने ऐसे नहीं लिखना है, ये एक लाइन में ही लिखना है जब भी आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स की वैल्यू क्या 5 की वैल्यू 3 के छोटी है, एक्स की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, नहीं है, फॉल्स आ गया। लेस देन इक्वल टू में देखेंगे, क्या 5 की वैल्यू एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से छोटी है, उसके बराबर है, क्या 5 3 से छोटा है या फिर उसके बराबर है, नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ, क्या 5 की वैल्यू वाई से बड़ी है, उसके बराबर है, हाँ, इन दोनों में से कुछ भी आएगा तो ट्रू आ जाएगा आंसर। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। जब हमारे पास मल्टीपल रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, तो जब हमारे पास मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स में कंडीशन लगानी है, जैसे कि अगर मेरे पास कंडीशन हो कि अगर मेरे पास
5,000 से ज्यादा रुपए हैं और मैं एक मोबाइल खरीदना चाहती हूँ तो ही मैं बाजार जाऊंगी। ठीक है, तो दो कंडीशन को हमने इकट्ठा करना, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर एक्सप्रेशन सच डेट द वैल्यू ऑफ द कंपाउंड ऑफ एक्सप्रेशन प्रोड्यूस डिपेंड्स ओनली ऑन डैट ऑफ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन एंड ऑन द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। मतलब कि जब दो कंपाउंड एक्सप्रेशन, दो कंडीशन हम साथ में यूज़ कर रहे हैं, दो एक्सप्रेशन, दो फार्मूले हम साथ में यूज़ कर रहे हैं, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर है? एंड और नॉट। एंड में हम एंड लिखेंगे और में नॉट में नॉट एक्स। अब मैं आपको समझा देती हूँ एंड। अब एंड में क्या होगा, अगर मेरे पास 5,000 से ज़्यादा रुपये एक्स की वैल्यू है, वाई, और मैं मोबाइल ख़रीदना चाहती हूँ तो ही मैं मोबाइल, एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास 5,000 से ज़्यादा रुपए है और मेरे को मोबाइल भी ख़रीदना है तो ही मैं मोबाइल ख़रीदूँगी। दूसरे में क्या है, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर या तो मेरे पास 5,000 से ज़्यादा रुपये तो भी मैं मोबाइल ख़रीदूँगी, और अगर मुझे मोबाइल ख़रीदना हो तो भी मैं मोबाइल ख़रीदूँगी। तो मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, इसमें ट्रू आएगा। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, एक्स का उल्टा। मतलब मैं बोलूँगी कि मैं सच बोल रही हूँ, उसका क्या नॉट लग जाएगा तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर मैंने एक्स की वैल्यू है, मैं झूठ बोल रही हूँ, उसका क्या नॉट लगा दिया तो इसका मतलब मैं सच बोल रही हूँ। अब एंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू -10 है। हमने इफ़ में दो कंडीशन लगाई, क्या ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है? ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, हाँ है। एंड बी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, बी की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो ये प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर जो भी है, प्रिंट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ प्रिंट हो गया द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। अब दूसरा इफ़ लगा हुआ है, इसमें क्या है, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एंड बी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है? बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। फिर एंड लगा दिया। मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, सिर्फ दो नहीं, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कंडीशन। फिर उसके बाद क्या, क्या सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? क्या -10 0 से बड़ा होता? नहीं होता। तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं प्रिंट होगा। अब एल्स में चला जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ, एटलीस्ट वन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0। ये तभी एग्जीक्यूट हुआ जब एक नंबर 0 से बड़ा नहीं था, क्योंकि तो हमने सबके बीच में क्या लगाया था, एंड ऑपरेटर। अब हम और ऑपरेटर पे आ जाते हैं, तब क्या आंसर आता। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू भी 0 से बड़ी थी, बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी थी, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। फिर दूसरे में क्या चेक करा, एल्स पर तो जाएगा ही नहीं ना, सॉरी, इस प्रोग्राम में वैल्यू चेंज है। ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10, बी की वैल्यू क्या है, -10। तो ए की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, लेकिन बी की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, नहीं है ना बड़ी, लेकिन यहाँ क्या लगा है, और। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर यही प्रिंट हो जाएगा, एल्स पे जाएगा ही नहीं को। ठीक है, अगला देखो, क्या बी की वैल्यू 0 से बड़ी है, बी की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू 0 से बड़ी है, सी की वैल्यू 0 से बड़ी है। दोनों में से एक भी, और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यही एग्जीक्यूट होगा, एल्स में जाएगा ही नहीं। ठीक है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी एल्स पे जाएगा। ठीक है, नॉट ऑपरेटर देखो क्या होता है, ए की वैल्यू 10 है इफ नॉट ए। इफ नॉट ए का मतलब क्या है, अगर ए की वैल्यू है ही नहीं मतलब 0 है, तो प्रिंट कर दे, प्रिंट बुलियन वैल्यू ऑफ ए इज ट्रू। अब ये तो करेगा नहीं। दूसरा देखो, इफ नॉट, नॉट किसका लगा रखा, ए परसेंटेज 3 डबल इक्वल टू 0। ए को अगर हम 3 से भाग करेंगे और उसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या बताया था आपको, रिमाइंडर बताएगा। ए को 3 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा तभी तो 0 बचेगा रिमाइंडर। 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 तो बचेगा नहीं। ठीक है, और ए को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ 0 ही आएगा, क्योंकि 5 से पूरा पूरा भाग हो जाता है 10। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ये 10 इज नॉट डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। अच्छा, इसके आगे क्या लगा हुआ था, नॉट। नॉट मतलब अब इसका उल्टा होगा, नॉट मतलब इसका उल्टा होगा, मतलब इस पे नहीं जाएगा वो, एल्स पे जाएगा। एल्स में क्या है, 10 इज डिविजिबल बाय या तो 3 से डिवाइड हो रहा था या 5 से डिवाइड हो रहा था, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
नॉट मतलब है जो इसका आउटपुट आना चाहिए था एक्चुअल में, उसका उल्टा आंसर देगा ये, ठीक है? तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। अगर इसके आगे नॉट नहीं होता तो ये प्रिंट होता, अब इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर, जो बाइनरी नंबर पे ऑपरेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बिटवाइज ऑपरेटर। दीज आर द ऑपरेटर्स डैट यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन और इंटीजर्स, जो हम इंटीजर्स इंटीजर्स पे हम जो कैलकुलेशन करते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकते। दीज आर द करेक्टर डैट रिप्रेजेंट एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन सिंगल बिट्स, कि सिंगल बिट्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, 0 और 1 पे मतलब, ठीक है? तो कौन कौन से हैं हमारे पास, एंड है, बिटवाइज एंड। अब एंड देखो, हम इन दोनों का एंड निकालेंगे। एंड क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। देखो 0 है, 0 है तो 0 आया आंसर, 1 प्लस 1 है और 0 है, एक भी वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, 0। 0 और 1, एक भी वैल्यू 0 है तो 0 है, एक भी वैल्यू क्या है, 1 और 0, एक भी वैल्यू क्या है, 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इस प्रोग्राम में देखो क्या है, बाइनरी में चेंज किया है, 10 का बाइनरी है ये, 1010, ये 10 का बाइनरी हो गया और ये किसका हो गया, बी इज इक्वल टू 4, ये बी 4 का बाइनरी है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, मतलब 10 एंड 4 क्या आ गया, 0। अब हमने और ऑपरेटर करना है, और ऑपरेटर का सिंबल होता है ये। अब एक भी वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा इसमें, 0 और 0, 0 आएगा, ये देखो 0 आ गया, 1 और 0, एक वैल्यू क्या है, 1, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1। अब ये क्या है, 0 और ये 1, एक भी वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ क्या है, 1 और 0, एक भी वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 1। तो ये किसका बाइनरी है, ये 14 का बाइनरी है, ठीक है? आप इसको कैलकुलेट, ये 14 कैसे आया ये भी देख लो। चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, ये 4 को 2 से किया 8 हो गया। अब किस किस के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, जिस जिस के नीचे 1 है उसको प्लस कर दो, मतलब 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास, 14। तो ऐसे करके आ गया हमारे पास 14। अब नॉट ऑपरेटर, बिट वाइज नॉट का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा आ जाएगा, 1010 है ना तो उल्टा हो जाएगा, 0 की जगह आ जाएगा 1, 1 की जगह आ जाएगा 0, 0 की जगह आ जाएगा 1, 1 की जगह आ जाएगा 0। और ये 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि सबके आगे हमने जीरोज ऐड कर दी थी, 4 0 और ऐड करके है, तो जब हम इसका बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -11। तो और एक्सोर, एक्सोर में क्या होता है, जब दो वैल्यू डिफरेंट होती है तभी 1 आता है, 0 और 0 डिफरेंट तो नहीं है, तो यहाँ आ गया 0, 1 और 0 आपस में डिफरेंट है तो आ गया 1, 0 और 1 आपस में डिफरेंट है तो आ गया 1, 1 और 0 आपस में डिफरेंट है तो आ गया 1, ठीक है? उसके बाद होता है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट 1 को राइट शिफ्ट, एक राइट शिफ्ट करना है, मतलब ए क्या है हमारे पास, ए है 1010, ठीक है? तो ये 0 आगे चला गया, ये 1 इसकी जगह आ गया, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास नंबर 1010, तो हमारे पास हमने करा राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट में ये 1 यहाँ चला गया, मतलब यहाँ आ गया 1, ये 0 यहाँ चला गया, यहाँ आ गया 0, और ये 1 यहाँ चला गया, तो मतलब यहाँ आ गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये किसका बाइनरी है, 5 का बाइनरी है, मतलब 10 का बाइनरी निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 5, तो उसे डिवाइड कर दिया इसने। अब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या आएगा, देखो 1010 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ये आगे चला गया, 0 इसकी जगह आ गया, 1 इसकी जगह आ गया, 0 इसकी जगह आ गया, लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 0, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0100। अच्छा, ए इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई करी है,
यहाँ पर आप दोबारा से समझो क्या था, ए इज इक्वल टू हमने 5 लिया, तो 5 का बाइनरी क्या होता है 1 0 1 और यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। तो ये 0 आगे चला गया, यहाँ पर क्या चला गया 1, यहाँ क्या चला गया 0, यहाँ क्या चला गया 1, और कुछ नहीं है तो लास्ट में 0 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या है 1 0 1 0, 1 0 1 0 ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये किसका बाइनरी है, 10 का बाइनरी है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट शिफ्ट हो गया तो 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल वैसे भी समझ सकते हो अगर हम 10 का करते तो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट वैल ये क्यों यूज़ होता है, किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, दीज आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5 है, ये सिंपल सी असाइनमेंट है, इज अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर डेट असाइंस द वैल्यू 5 टू द राइट टू द वेरिएबल ए ऑन द लेफ्ट, मतलब वेरिएबल की वैल्यू कहाँ है राइट में, और ये किसको वैल्यू दे रहा है ए को जो कहाँ है लेफ्ट में, तो ए की वैल्यू 5 असाइन हो गई। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे कैसे होते हैं हमारे पास, देखो ये है इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 5 असाइन कर दी। अब इसके अलावा ये जितने भी ऑपरेटर है ये होते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, मतलब प्लस के साथ भी हम इक्वल टू लगा सकते हैं। प्लस के साथ हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5, हमने एक्स में ही 5 ऐड करना था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस इक्वल टू 5। अगर हम चाहते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स की जो भी वैल्यू थी उसमें से 5 माइनस हो जाए, हम दोनों साइड एक्स एक्स है, दोनों साइड ये सेम होने चाहिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस इज इक्वल टू 5, एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो ये सारे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एक्स दोनों साइड सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, एग्जाम्पल देखो एक्स इज इक्वल टू 5 प्रिंट एक्स, हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करी तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, एक्स की वैल्यू 5 है हमने लिखा x प्लस इज इक्वल टू 3, तो मतलब x में ही 3 वैल्यू जुड़ जाए, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो वो प्रिंट हो जाए हमारे पास आ गया 8। ऐसे हमने माइनस किया, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 में ही 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो गया 15, 5 में ही 3 माइनस हो जाए तो हमारे पास कितना आ गया 2। तो ये है आपके पास शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के एग्जाम्पल, कि 5 था एक्स में ही, मतलब 5 को ही डिवाइड करना हमने 3 के साथ, तो ये आंसर आ गया। अगर 5 को डिवाइड करके इसका मॉडुलस निकालना है तो इसका मॉडुलस कितना बचा, 5 को 3 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2। वैसे ही ये फ्लोर डिवीजन वाला हो गया, ये एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, ये एंड ऑपरेटर हो गया, ये और ऑपरेटर हो गया, ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास एक्सऑर ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, मतलब 5 का बाइनरी लिखोगे और उसमें राइट शिफ्ट करना है कितना, उसमें पहले किया था हमने एक बार, इसमें कितनी बार करना है 3 बार करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा होता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पाइथन ऑफर सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर लाइक आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं, These are used to determine whether a value is of a certain class or type. कि मतलब कोई टाइप है कि किस टाइप की वैल्यू है। They are usually used to determine the type of data. वो बताएगा कि किस टाइप का डेटा है जो हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। ऑपरेटर कौन से, is not, ठीक है। इज मतलब ये ट्रू आएगा जब उसके अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी, एक्स इज ट्रू, इज नॉट, एक्स इज नॉट ट्रू, मतलब इस तरीके से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, अगर ये बराबर है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं हम, टाइप देखने के लिए यूज होता है, एक्स इज इक्वल टू 5 लिया, इफ टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर, अब वो चेक कर रहा है क्या टाइप ऑफ एक्स इंटीजर है, अगर है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा, तो इंटीजर ही है तो इसने ट्रू दे दिया, मतलब टाइप देखने के लिए यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने करा कि टाइप ऑफ एक्स इज नॉट इंट, इज नॉट इंट, नॉट इंट मतलब क्या ये इंटीजर नहीं है,
हाँ तो ये इंटीजर नहीं है, इसने आंसर दे दिया ट्रू। अब इसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? इट चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विद इन एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब किसी चीज के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर चीज पड़ी है कि नहीं है तो वो चेक करता है। जैसे इन 12 इन एक्स वाई जेड, या फिर हम करें नॉट इन 12 नॉट इन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल है। एग्जाम्पल में देखेंगे, हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, लिस्ट 2 में क्या है 6 7 9। तो हम क्या करेंगे, हमने एक लूप लगाया फॉर आइटम इन लिस्ट 1। अगर लिस्ट 1 में हो आइटम तो कौन कौन सा आइटम है इसमें, 1 2 4 5, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा इफ आइटम इन लिस्ट 2, अगर आइटम लिस्ट 2 में है कौन कौन से जो एक लिस्ट 1 के अंदर है, मतलब क्या 1 क्या 6 7 9 के अंदर है, नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। 2 इसके अंदर है, नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। 4 इसके अंदर है, नहीं प्रिंट होगा। फिर 5 इसके अंदर है, नहीं प्रिंट होगा। तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, नॉट ओवरलैपिंग, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इन ऑपरेटर आप सिर्फ इतना ही समझो, इन ऑपरेटर क्या, आइटम इन लिस्ट 1। तो आइटम कौन कौन सी है लिस्ट 1 में, अब आइटम की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 2 4 5। हमने लिखा आइटम इन लिस्ट 2, तो आइटम की वैल्यू लिस्ट 2 में क्या हो जाएगी, 2 सॉरी 6 7 और 9। नॉट इन ऑपरेटर इसका उल्टा हो गया, हमने एक्स की वैल्यू क्या लिखी, हेलो वर्ल्ड, और वाई की वैल्यू क्या लिखी हमने, 1। ये क्या है हमारे पास डिक्शनरी, 1 की वैल्यू है ए, 2 की वैल्यू है बी। अब हम प्रिंट करेंगे एच इन एक्स, क्या एच है एक्स के अंदर, एच क्या है, एच इन एक्स, क्या एक्स के अंदर एच है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। फिर दूसरा लिखा हेलो नॉट इन एक्स, क्या हेलो नहीं है एक्स के अंदर, हेलो एक्स के अंदर नहीं है, ये वाला हेलो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल एच लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आ गया नॉट इन लिखा है ना, तो ये आ गया ट्रू। अगर यहाँ पे लिखा होता इन तो यह आ जाता फॉल्स। फिर है 1 इन y, क्या 1 है y के अंदर, 1 है y के अंदर, हाँ है, ट्रू आ गया। फिर लिखा हुआ क्या a इन y, क्या a है y के अंदर, y के अंदर क्या a है, a नहीं है, क्यों, ये सिर्फ कीज को ही उठाएगा। अगर आपने, आपको डिक्शनरी या लिस्ट के बारे में नहीं पता तो आप डिक्शनरी वाली वीडियो देख सकते हैं पाइथन की प्लेलिस्ट पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a नहीं है, यहाँ पर कीज है 1 है और 2 है, ये सिर्फ कीज को ही चेक करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। इफ एल्स कंडीशन की जगह हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन इन पाइथन दैट इवैल्यूएट्स अ स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में सबसे ऑपरेटर्स उसके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन करना है, और एक बार आप इसके ऑपरेटर को पढ़ लोगे तो हर लैंग्वेज में आपको ये काम आएगा। इट परफॉर्म्स एन एक्शन बेस्ड ऑन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इफ एल्स कंडीशन की तरह होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है कंडीशन, एक होती है ट्रू वैल्यू, एक होती है फॉल्स वैल्यू, ठीक है। कंडीशन में कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा होता है, डेट इवेल्यूएट्स ट्रू और फॉल्स, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू मतलब अगर इवेल्युएशन की वैल्यू सही आती है तो ट्रू, नहीं आती है उसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है एक्स कॉमा वाई। हम मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं इसमें, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 5, 6, इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 6। इसमें बहुत ही अच्छा फीचर है पाइथन का, आप दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं कर पाते मगर इसमें कर सकते हैं, आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 6। फिर हमने प्रिंट क्या किया, एक्स, एक्स को प्रिंट करना है, कब करना है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है
तो एक्स प्रिंट करना है, एल्स वाई प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, फाइव की वैल्यू सिक्स से बड़ी है, फाइव की वैल्यू सिक्स से बड़ी है नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है एग्जाम्पल, डिफाइंड मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालना है ए और बी में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न ए, ए को तब रिटर्न करें अगर ए बी से बड़ा है, नहीं तो किसको रिटर्न कर दे, बी को रिटर्न कर दे। तो मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम को हमने कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया फाइव और सिक्स, तो ये क्या करेगा, फाइव सिक्स में से जो भी मैक्सिमम है उसको बता देगा। इसने कहा अगर पाँच छः से बड़ा है तो पाँच रिटर्न कर दे, अगर नहीं है तो छः को रिटर्न कर दे, तो उसने छः को रिटर्न कर दिया। अब ये जो इफ एल्स कंडीशन थी ना, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं पाइथन में, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करें ताकि उन्हें कहीं ट्यूशन्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े और फ्री में वो अपना सारी रिविज़न वर्क वो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।